अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करता हूं आपको न्यू वीडियो में। और इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता और उसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ आ गई। मुझे नहीं पता था कि इंडिया के लिए ये T20 वर्ल्ड कप जीतना इतना ज़रूरी है। बहुत अच्छा हुआ इंडिया ये T20 वर्ल्ड कप जीता, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली अपना आखिरी T20 मैच खेल रहे थे और ये दोनों यही फेयरवेल डिज़र्व करते हैं। T20 वर्ल्ड कप से कम इनको जो भी मिलता वो इनके साथ इंसाफ नहीं होता। T20 वर्ल्ड कप के साथ अपने T20 करियर को फिनिश कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़बरदस्त हुआ है इनके साथ, बहुत ही डिज़र्विंग चीज़ हुई है। और मैं तो ये कहूँगा, अब जडेजा भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये भी रिटायर हो जाए क्योंकि इसका भी अब आगे कोई चांस नहीं है। तो जो अब जाएगा यहाँ से इज्जत से जाएगा, जो इन दोनों ने तो बहुत ही ज़बरदस्त फैसला किया। हालांकि पाकिस्तानी टीम में अगर ऐसा टैलेंट हो, ऐसे प्लेयर हो, तो उनका 2-3-4 साल खेलना बनता है, लेकिन इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि T20 फॉर्मेट में वो बिल्कुल, उनको एक क्लियर मैसेज दिया गया होगा कि ये T20 वर्ल्ड कप आपका आखिरी वर्ल्ड कप है, जीतो हारो इज्जत से जाओ, जैसे कहते हैं जाओ। वर्ल्ड कप के बाद हम नए चेहरों को देखना शुरू कर देंगे। प्रॉपर एक तरीके से सीन हुआ और इनकी किस्मत में ये लिखा था। और क्या बोलूँ मैं रोहित शर्मा के लिए, क्या बोलूँ मैं विराट कोहली के लिए। 50 ओवर वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था, मुझे लगता था बहुत ओवर रेटेड है। 50 ओवर के वर्ल्ड कप से पहले 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता था कि बुमराह बहुत ओवर रेटेड बॉलर है, लेकिन इन दोनों ने अपने खुद को मनवाया है। कोहली का तो मैं हमेशा से फ़ैन हूँ, इन दोनों ने खुद को मनवाया है और बहुत ज़बरदस्त मनवाया है। और इतनी बुरी तरह इनको ज़रूरत थी, इतना रोए हैं ये लोग। इंडिया जैसी टीम वर्ल्ड कप, कोई पहला वर्ल्ड कप तो नहीं जीते, ये साउथ अफ्रीका जीत के रो रहे होते तो समझ आता। रोहित शर्मा ज़मीन से लग के रो रहा है, विराट कोहली उससे गले लग के रो रहा है, पांड्या बच्चों की तरह रो रहा है, सिराज रो रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े लोग रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। ड्रेविड रो रहा है, ड्रेविड जिंदगी में, ड्रेविड के लिए भी ये ज़बरदस्त फेयरवेल था। आखिरी T20 मैच था इसका एज अ हेड कोच, टर्न ओवर उसका ख़त्म हो गया, अब रिन्यू भी शायद नहीं होना, तो इसके लिए भी 3 साल से है फेयरवेल, बहुत ज़रूरी था। ये तीनों लेजेंड है, विराट कोहली, ड्रेविड ने तो एक वर्ल्ड कप जीता भी नहीं है बेचारे ने, इतना बड़ा प्लेयर, दी वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट कहलाता है। क्या ड्रेविड के लिए, क्या उसने भी सेलिब्रेट किया, क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली गले लग के रोए हैं, और क्या रोहित शर्मा रोया ज़मीन से लग के पांड्या बच्चों की तरह, मतलब क्या इमोशंस थे। इतने कप के लिए इतने तरसे हुए थे, ये डिज़र्व करते थे यार। अगर ये वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका जीत जाता तो ये इमोशंस, ये बातें, ये फीलिंग्स बाहर ही नहीं आती, वही चुभा इन, मतलब बहुत नाजायज़ हो जाता। खैर, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। इंडिया डिज़र्विंग टीम है, पिछले 8-10 साल से जो क्रिकेट खेल रहा है ऐसी क्रिकेट कोई नहीं खेल रहा। डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड स्टेज पे, डोमिनेट करते हैं ICC इवेंट्स पे, अनबीटन जाते हैं, ये इनकी आदत हो गई है। और इनका क्रेडिट सारा का सारा जाता है रोहित शर्मा को, इनके बॉलर्स को, इनके पूरी टीम को। पांड्या रोहित शर्मा गले लग, रोहित शर्मा ने पांड्या को इंटरव्यू देते हुए किस किया, विराट कोहली रो रहा था अंदर जाते हुए, मतलब क्या सीन्स थे। ऐसा लग रहा था बच्चे हैं, ऐसा लग रहा था पहला वर्ल्ड कप है, मतलब इतने तरसे हुए थे, कितनी वैल्यू थी इसकी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे सीन थे ये इमोशंस, ये सीन एक बोलते ना इमोशन का सैलाब आ गया था। तो शुक्र है इंडिया जीत गया, वरना अगर इंडिया नहीं जीतता तो ये कैसे हम देखते। विराट कोहली और रोहित शर्मा तो डिज़र्व ही करते हैं ये चीज़ें। और एक इससे अच्छा ट्रिब्यूट, इससे अच्छा फेयरवेल और इससे अच्छा एंड इनके T20 करियर का नहीं हो सकता था, और ये डिज़र्व करते थे। तो अब विराट और रोहित की जगह टीम में आएंगे नए लड़के, दूसरा अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया का जो T20 वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसमें शुभमन गिल वापस आया, पूरी टीम नहीं है ये, इन
शुभमन गिल कैप्टन है और कोई भी पुराना लड़का इस वर्ल्ड कप का नहीं है, सारे नए लड़के हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि वो शर्मा करके जो है दूसरा, रोहित शर्मा की मुझे लगता है वो जगह ले लेगा अभिषेक शर्मा, जो पंजाब के लिए ओपन करता, उसके हैदराबाद और ट्रैविस हेड के साथ ओपन करता था। क्या बेहतरीन प्लेयर है। मुझे ये लगता है कि इंडिया को रोहित शर्मा विराट कोहली की कमी बिल्कुल भी नहीं खलेगी। शेर गए तो पीछे सवा शेर बैठे हुए, और हमारे पास अगर ये विराट और रोहित होते तो हम इनको 8-10 साल और रगड़ते। विराट, रोहित शर्मा का एक बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, 2007 के वर्ल्ड कप में भी ये था, और 2000 आखिरी, मतलब जब से T20 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब से ये वर्ल्ड कप में है, तो डिज़र्विंग था। और इंडिया को कोई टेंशन नहीं है, यंग लॉर्ड बहुत अच्छी है। रोहित शर्मा, विराट कोहली 50 ओवर ज़रूर खेलेंगे, टेस्ट क्रिकेट ज़रूर खेलेंगे, उनका खेलना बनता भी है, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ तो वो नहीं खेल सकते। मुझे ये नहीं लगता अब कि विराट कोहली सचिन की 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ेगा, क्योंकि अभी भी 32-33 सेंचुरियाँ बाकी हैं, और ये साल में मेरे हिसाब से क्या खेल लेगा, 10 मैच खेल लेगा, 12 मैच खेल लेगा, 15 मैच खेल लेगा, तो बहुत ही मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है। और वर्ल्ड कप, इंडिया के जो इमोशंस बाहर आए हैं वर्ल्ड कप जीतने के बाद ग्राउंड में, जो इन लोगों ने एंजॉय किया, जो इमोशंस दिखाए हैं, जो मतलब डिज़र्व करते हैं, और डेस्परेटली मर रहे थे ये वर्ल्ड कप के लिए, बहुत ज़बरदस्त हुआ इंडिया जीता। और बहुत बड़ा करियर, बहुत अच्छा 2 करियर ख़त्म हुए विराट और रोहित का। इन दोनों को अब आगे आप T20 में नहीं देखेंगे, और T20 में इंडिया अब अपनी नई टीम बनाएगा, जो वो भी डेंजर होगी, ऐसा नहीं है वो हल्की टीम होगी, वो भी डेंजर टीम होगी। और बहुत ज़बरदस्त हुआ ये वर्ल्ड कप, इंडिया जीता, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और जब इनके इमोशंस देखे तो उसके बाद वो खुशी डबल हो गई। बाकी इंडिया ने मैच फिक्स किया था, मिलर का कैच आउट नहीं था, वो उससे लगा था बाउंड्री से, पाँव उसका टच हुआ था, रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, बॉल में चिप पे ICC फेवर देता है, जो भी बातें सब झूठी हैं, सब कोई सदाकत नहीं है, किसी चीज़ में कोई सदाकत नहीं है, कोई किसी को फेवर नहीं देता, बस जिसके नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा उसको मिलता है, सिंपल सी बात है। बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।